हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को 30 सेकेंड के अंदर में कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो आपको ध्यान रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यही याद रखना है, पुरानी बातें जो आपको याद है उस पर आप मिट्टी डाल देना है। अटैचमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको भी राइट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो आपने 9th में पढ़ा है उसको आप भूल जाना है। अब एक ही चीज़ ध्यान रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट उसका रिवर्स। बस आपको यही ध्यान रखना है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सर याद कैसे रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाए, तो उसके लिए ट्रिक्स है क्या ऑयल वर्ड जो हेयर में आप लगाते हो। दैट मीन्स क्या हो गया, ओ से ऑक्सीडेशन, आई से एज, एल से लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियस सी बात है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ऑयल वर्ड से याद रख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन कि सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है क्या। तो देखो एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप ऑन द एटम। और ये किस वजह से होता है, तो उसका जो मेन रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये चार्ज डेवलप होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, तो यू नो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड बनाया तो इस पर एक माइनस वन देना है, तो इस पर एक प्लस वन देना है। ये जो चार्ज हमने लिखा माइनस वन प्लस वन, यही ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यू नो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो बॉन्ड बनाया तो इस पर दो माइनस दो, जितना बॉन्ड उतना माइनस दे दो, तो इस पर प्लस टू आ जाएगा। फिर इधर से भी बनाया, इस पर फिर से माइनस दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर फिर से प्लस दो, तो कार्बन पर टोटल कितना हो गया, प्लस फोर। तो इस टाइप से हर एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। ओके, दूसरा, और ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से भी चार्ज डेवलप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे क्या सोच लेते हैं, कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, sp, और इसका क्या sp3। तो यू नो sp का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फिर उससे कम sp2, फिर उससे कम sp3, परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर हम बात करें अपनी तरफ खींचेगा तो इस बॉन्ड की वजह से इस पर माइनस वन, तो इस पर प्लस वन, सिर्फ इस बॉन्ड का। बाकी इनका अगर ध्यान से देखें तो तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन सब पे क्या आ जाएगा, प्लस वन प्लस वन, तो ये प्लस वन की जगह इस पर और कितना जाएंगे, और माइनस थ्री, तो इस पर टोटल कितना जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन, डैट इज ओवरऑल कितना, माइनस टू। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं डैट इज रेडॉक्स, इसके नाम में ऑलरेडी क्लियर है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई एक कंप्लीट रिएक्शन है और अगर आपको पता लग गया कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो रेडॉक्स होगा, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाते हैं। नाउ टोटल में 6 पॉइंट आपको देने जा रहा हूँ जिसको अच्छे से समझना है और इसको ध्यान में रखना ही है। तो सबसे पहले अगर कहीं पे सिंगल एटम आपको दिख रहा हो, जैसे सोडियम कार्बन मैग्नीशियम, डेट मीन्स इसके साथ और कुछ कंपाउंड या एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जीरो लेना है। ओके, क्योंकि कोई है नहीं तो कोई चार्ज इस पर डेवलप नहीं होगा। अगर सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल हैं लाइक O2, N2, P4, H6, H2 एक्सेट्रा, चूँकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा नहीं, दोनों सेम एटम है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, राइट। तो ये पॉइंट नंबर वन आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर कहीं पे भी कंपाउंड में दिख रहा है, ध्यान रहे कंपाउंड है, यहाँ पे ये सिंगल फॉर्म है कंपाउंड, जैसे Na2SO4, राइट, तो फर्स्ट ग्रुप का है तो फिक्स है उसका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका फिक्स प्लस वन। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप का कोई दिख गया, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम, कंपाउंड में ध्यान दें, तो फिर उसका प्लस टू फिक्स। एल्युमिनियम कहीं पे दिख गया कंपाउंड में, जैसे AlCl3 Al2SO4 होल थ्राइस, कहीं पे भी कंपाउंड फॉर्म में दिख गया तो प्लस थ्री उसका फिक्स है, तो इसलिए ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, हाइड्रोजन कहीं पे अगर मेटल के साथ दिख जा रहा है, जैसे NaH, तो उसका माइनस वन, कैसे याद रखेंगे, M से मेटल, M से माइनस, सिंपल। और नॉन मेटल के साथ दिख जाए तो नॉन मेटल मतलब नॉन माइनस मतलब प्लस, तो प्लस वन में होगा, जैसे HCl में ये प्लस वन में, तो ये पॉइंट नंबर थ्री भी क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर फोर, फ्लोरीन
कहीं भी कंपाउंड में अगर दिख जाए, ध्यान रहे अगर F2 होगा तो जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं आएगा। ये किसी और एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बना रखा है कंपाउंड फॉर्म में तो ऑलवेज -1 फ्लोरीन का होगा, राइट। पॉइंट नंबर 5, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन जो है अनलेस आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, जब तक ना पूछा जाए तब तक आपको -2 ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ये सब फिक्स चीज़ें आपको लेना है जब तक कि ऑक्सीजन के बारे में पूछा नहीं जा रहा है। अगर पूछा जाएगा तो चूंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 तक वेरी कर सकता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, बट जब तक ना पूछा जाए अगर ये कंपाउंड मार रहा है तो आपको -2 मान के चलना है, अगर पूछा जा रहा है तो केयरफुल हो जाना है। क्लियर है पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हर ग्रुप के एलिमेंट का रेंज फिक्स है, जैसे फर्स्ट ग्रुप का +1 ही हो सकता है, सेकेंड ग्रुप का कंपाउंड में +2, तो ये भी हम कंपाउंड में बात कर रहे हैं। 14 ग्रुप का होगा तो -4 से लेकर के +4 तक, कैसे, क्योंकि 14 ग्रुप का है तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइदर 4 लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, इस वजह से -4 से +4। 15 ग्रुप का होगा तो 3 ले सकता है, लेगा तो माइनस, या 5 दे सकता है तो -3 to +5, ये रेंज हो गया, इसके बीच कुछ भी आ सकता है। 16 ग्रुप का है तो -2 से -6 तक में आ सकता है, 17 का है तो -1 से -7 तक आ सकता है, और 18 का है तो 0 माइनस कभी नहीं हो सकता, से लेकर के +8 तक इसका रहेगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH4, तो यू नो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कार्बन का -4 है, CCl4 में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कार्बन का +4 है, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 से +4 के बीच कुछ भी हो सकता है, डेट इज -3 भी आ सकता है, -2 भी, -1, 0 एटसेट्रा आ सकते हैं, राइट। वैसे ही 15 ग्रुप में जैसे नाइट्रोजन, तो ये NH3 में -3 है, HNO3 में ये +5 है, तो ये एक रेंज हो गया, राइट। 16 ग्रुप में H2S में सल्फर -2 है, H2SO4 में +6 में है, वैसे ही 17 में HCl में क्लोरीन -1 में, यहाँ पे क्लोरीन +7 में, यहाँ पे ज़ेनॉन 0 है, यहाँ पे ज़ेनॉन +8 है। तो ये रेंज बताने से क्या फ़ायदा हो गया कि आपको पता लग गया है कि कार्बन कहीं पे अगर +4 में तो उससे आगे नहीं जा सकता, राइट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट लिमिट हो गया, वैसे ही -4 में तो आप पीछे नहीं जा सकता, तो एक लिमिट फिक्स हो गई है, इससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या कौन डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा उसको पहचानने में बहुत ईजी होगा। तो एक्चुअली ये 6 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं यूज करूँगा। नाउ ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो ट्रिक्स हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हो। पहला तो यह है कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जो अंडरलाइन एटम है उसका निकालना है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का आपको बता दिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन का बता दिया, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का +1 ले लेंगे, क्लोरीन का नहीं मालूम है तो एक्स, क्योंकि सम करना हमें, ऐड करना है, राइट, और तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन का तो -6 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, न्यूट्रल, तो 0, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपको 5, डैट मीन्स क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 में, तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया, कंपाउंड में है तो +1 फिक्स, 2 सोडियम है तो 2 प्लस चार्ज हो जाएंगे टोटल, सल्फर का नहीं मालूम तो एक्स, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 तो -8 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका 6, इस टाइप से आपको निकालना है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉस्फोरस का नहीं मालूम है, एक ही एटम है तो 1 × x तो एक्स ही हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2 तो -8 इज इक्वल टू चार्ज, जब आपको दिख रहा -3, जो चार्ज जिस साइन के साथ होगा वही लिखना है, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, और कुछ नहीं होगा तो 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपको 5, राइट। जैसे यहाँ पे निकालना है मैंगनीज का, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का हो गया तो +1, मैंगनीज एक ही एटम है तो नहीं मालूम है तो एक्स, ऑक्सीजन का 4 एटम है तो -8 हो जाएगा, हर एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 पोटेशियम है तो 2 प्लस हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, 2 क्रोमियम है, ध्यान रहे तो 2 क्रोमियम का 1 का अगर x तो 2 का 2x, ध्यान रहे ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक सिंगल एटम का बताते हैं, तो 2 का 2x
और सात ऑक्सीजन है तो माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपको 6। ये जो एक्स 6 आया वो एक क्रोमियम का है, दो क्रोमियम का बोलता तो टोटल प्लस 12 होते, तो ये एक तरीका है निकालने का, राइट। दूसरा तरीका है वाया स्ट्रक्चर। चूंकि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाना ईजी है, एग्जैक्ट शेप नहीं बनाना, बस एक स्ट्रक्चर बनाना है। और उसमें क्या करना है, चार्ज कितना देना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि तो नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड कितना बनाया है उस एटम ने। फॉर एग्जांपल जैसे H3PO3, तो आपको P ब्लॉक में बता रखा हूँ फास्फोरस के कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसमें एक P डबल बॉन्ड हो और एक POH होगा ही, राइट। अब ध्यान से देखो, तो दो ऑक्सीजन अपने यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचा है एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बचा है तो एक OH और एक हाइड्रोजन तो ये, राइट। अब ध्यान से देखो मैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे फास्फोरस का निकालना है, फास्फोरस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ये दो बॉन्ड तो यहाँ पे ये दो माइनस तो इस पर दो प्लस, फिर इस बॉन्ड की वजह से एक सिंगल बॉन्ड है तो इस पर माइनस वन तो इस पर फिर से एक प्लस वन, फिर इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन माइनस वन तो यहाँ पे फिर से प्लस वन। और फास्फोरस हाइड्रोजन का ध्यान से देखो तो फास्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्लस वन तो इस पे कितना आ जाएगा माइनस वन। तो अब इस फास्फोरस पे टोटल कितना हो गया ध्यान से देखो, प्लस फोर माइनस वन डेट इज प्लस थ्री, तो इसलिए इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये प्लस थ्री में। तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि चार्ज आपको कितना लेना है, कितना बॉन्ड वो बनाया है। जैसे एक और एग्जाम्पल H2SO5, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही पार्ट है ये, जस्ट आपको मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ। अब सल्फर का निकालना ध्यान से देखो, ये दो बॉन्ड तो ये माइनस दो तो यहाँ पे प्लस दो, फिर ये दो बॉन्ड तो माइनस दो तो ये प्लस दो, फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है ऑक्सीजन का सल्फर के साथ तो इस पर माइनस वन तो इस पर एक प्लस वन आ जाएगा, राइट। वैसे इसमें बात करें तो फिर से ऑक्सीजन पे माइनस वन, इस हाइड्रोजन पे प्लस वन, राइट। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस देना, यहाँ पे ध्यान से देखो तो सल्फर ऑक्सीजन में ये माइनस वन तो ये प्लस वन, ये ऑक्सीजन में ध्यान दे दोनों सेम है, राइट। तो इस ऑक्सीजन पर अभी कुछ नहीं आएगा इस ऑक्सीजन की वजह से, और इस हाइड्रोजन की वजह से प्लस वन तो माइनस वन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस वन आ रहा है इसलिए परऑक्सी लिंकेज की बात होती है, राइट। तो इसलिए स्ट्रक्चर से भी जाना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे सल्फर का टोटल कितना गया ध्यान से देखो, प्लस टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स, तो यहाँ पे सल्फर प्लस सिक्स में। अगर आप सपोज करो उसको उस तरीके से निकालते जो ये वाला पॉइंट बताया, इस तरीके से निकालते तो कितना आ जाता, टू सल्फर का नहीं मालूम है एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स यहाँ से आता है एट, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि सिक्स आ रहा है। तो इसलिए हमने वो पॉइंट नंबर सिक्स आपको बोला था, क्योंकि वी नो सल्फर का जो मैक्सिमम लिमिट है माइनस टू से लेकर के प्लस सिक्स तक है, तो कभी अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो और उसके वो हाईएस्ट से ज़्यादा आ जा रहा है तो आपको हाईएस्ट बता करके छोड़ देना है, राइट। वैसे यहाँ पे HClO3 जैसे यहाँ पे हमने निकाल रखा है प्लस फाइव, तो आप निकाल सकते हो कैसे, तो इसका जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम ही है इसे, तो देखो ये दो बॉन्ड की वजह से प्लस दो, ये दो बॉन्ड की वजह से प्लस दो, और ये एक बॉन्ड की वजह से प्लस वन, तो टोटल कितना हो गया प्लस फाइव। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एक ही बात है, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट एक ही बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसको बोलते हैं ये, तो ध्यान से देखो एजेंट बोले तो वो उसका काम करता है, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अदर को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट सेल्फ रिड्यूस होंगे। आप कैसे पहचानेंगे, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। डैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का ही सिर्फ काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो उससे आगे जा नहीं सकता, बैक आएगा, बैक आने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, तो इसलिए ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 में सल्फर प्लस सिक्स में, तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। HNO3 में नाइट्रोजन प्लस फाइव में, KNO4 में मैंगनीज प्लस सेवन में, तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका रिवर्स हो जाएगा रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में, इसलिए हमने रिवर्स वर्ड लिख दिया। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ऑलवेज रिड्यूसिंग का काम करेगा, जैसे H2S में सल्फर माइनस टू में, NaCl में माइनस वन में, तो ये इससे बैक नहीं आ सकता, इसके आगे ही जाएगा। एक नंबर लाइन आप बना ले, जैसे Cl के केस में माइनस वन से प्लस सेवन है, तो अगर वो माइनस वन में तब आगे ही जा सकता है, तो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर प्लस सेवन में तो वो पीछे जा सकता है, क्योंकि ये बाउंड्री लिमिट हो गई, तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग। और अगर इन बिटवीन कहीं पे हुआ तो वो दोनों साइड जा सकता है, तो डैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन, जो भी हम बात करेंगे।
नाउ आप कैसे पहचानेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो हर एक एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। जैसे यहाँ पे लेड किस में है, प्लस टू में, ऑक्सीजन माइनस टू में, हाइड्रोजन यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है तो जीरो, यहाँ पे लेड सिंगल एलिमेंट है तो जीरो, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है तो प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू। तो देखो ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हुआ राइट, तो इसलिए हम इससे नहीं पहचान पा रहे हैं। लेड में चेंज हुआ प्लस टू से जीरो, तो क्या हो गया प्लस टू से जीरो कम हो गया है राइट, डिक्रीज हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि प्लस टू से जीरो हो रहा है। और वैसे ही हाइड्रोजन जीरो से वन इसका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो खुद वो क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डेफिनेटली ये फिर क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट, क्यों क्योंकि प्लस टू से जीरो में चला गया है तो गेन क्या है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये प्रोसेस है रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ जीरो से वन में लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का राइट, तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे भी कह सकते हो प्रोसेस अगर रिडक्शन है तो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा, अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो एजेंट रिड्यूसिंग होगा। तो वेरी सिंपल है इस तरीके से पहचानना, कोई भी कन्फ्यूजन का सीन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग जो अदर को ऑक्सीडाइज करे इट सेल्फ रिड्यूस हो, उसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से जीरो में कम हो गया इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ ज्ञान की बात और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे सेम एलिमेंट, ध्यान दें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है राइट। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में अगर आता है तो वो डेफिनेटली आपका डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे माइनस वन में आया, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे प्लस वन में आया, तो ध्यान से देखो सेम एलिमेंट क्या हुआ जीरो से माइनस वन रिड्यूस हो गया और जीरो से प्लस वन ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये ऑलवेज लेफ्ट साइड में होंगे और उधर राइट साइड में, तो सेम एलिमेंट का देखना है अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो ये फिर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी डिसप्रोपोर्शनेशन राइट। जितने भी नॉन मेटल है उसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं तो डेफिनेटली वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है, तो पहचानना ईजी है। जैसे ये क्वेश्चन देखो विच कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन, तो आपको क्या करना है एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है मिनिमम और मैक्सिमम आपको हर एलिमेंट का बता रखा हूँ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके बीच में आ रहा है तो वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंगनीज प्लस सिक्स में जो कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है राइट, क्योंकि मैक्सिमम प्लस सेवन है तो ये शो करेंगे। वैसे ही HClO2 में क्लोरीन का प्लस थ्री आ रहा है जो मिनिमम यूनो माइनस वन है उसका और मैक्सिमम प्लस सेवन है उनके बीच में आ रहा है तो ये भी शो करेंगे। HNO2 में प्लस थ्री में मिनिमम इसका माइनस थ्री होता है और मैक्सिमम प्लस फाइव होता है उनके बीच में आ रहा है तो ये भी शो करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए राइट। पॉइंट नंबर टू नॉन रेडॉक्स रिएक्शन आप कैसे पहचानेंगे, तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें आप, अगर किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेडॉक्स है। दूसरा क्विकली कैसे पहचानेंगे, तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली वो नॉन रेडॉक्स होती है, जैसे ये बेस है ये एसिड तो नॉन रेडॉक्स होगा, क्यों क्योंकि इसमें आप किसी भी एलिमेंट का निकालो सबका दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगा। वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट डेट मीन्स कैटायन एन आयन एक्सचेंज वाली रिएक्शन, जैसे यहाँ पे एन ए सल्फेट के साथ चला गया और मैग्नीशियम सी एल के साथ, ध्यान दें हमने रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं किया जस्ट आपको समझाने के लिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट एसिड बेस रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होती है, पहचानने का तरीका आपको क्लियर है। नाउ एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर वन में विच कांट शो डिसप्रोपोर्शनेशन, तभी आपको बताया कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इन बिटवीन होगा तो शो कर सकता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ब्रोमीन प्लस सेवन में जो कि हाईएस्ट हो गया तो ये शो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है H2O2 के बारे में कि ये किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है Cl यहाँ पे किस में था प्लस वन में और यहाँ पे क्या पे आ रहा है माइनस वन में राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करें और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो क्योंकि ये माइनस वन से जीरो में आ गया इसलिए यहाँ पे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड में यहाँ पे आयोडीन जीरो में है राइट और यहाँ पे माइनस वन में आ रहा है अगेन ये रिड्यूस हो गया राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, ध्यान से देखो माइनस वन से ये जीरो में आ गया राइट। तो यहाँ पे आयोडीन का देख रहे हैं तो यहाँ पे भी रिड्यूसिंग, तो दोनों में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे माइनस टू में भी तो आ रहा है, बेटा हमें दूसरे को देखना है कि वो दूसरे वाले पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसको क्या किया उसने जीरो से माइनस वन में लिया है डेट मीन्स इसको रिड्यूस किया, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं जो अदर को रिड्यूस करे इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे।
सिमिलरली इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछ सकता है कि सम में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है। यहाँ पे क्रोमियम का आपको बता रखा हूँ निकालना 6, मैंगनीज का यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 पोटेशियम है 2 प्लस, तो ये माइनस 8 तो प्लस 6 तो ये 6 है, तो कितना हो गया टोटल 19। तो ऐसे इंटीजर टाइप में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विच कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो वही सेम पॉइंट कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट में, यू नो H3PO4 में फास्फोरस प्लस 5 है जो कि हाईएस्ट है, तो ये दोनों का काम नहीं कर सकता, राइट। बाकी सब में यहाँ पे ये अपने इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दोनों का काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2, K2, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, आपको बता रखा हूँ फर्स्ट ग्रुप का है तो सोचना ही नहीं है, कंपाउंड में ऑलवेज प्लस 1, तो इन तीनों में पोटेशियम का प्लस 1 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 6 में इस टाइप से रिएक्शन दे करके कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, अगेन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, जो अदर को रिड्यूस करे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो टीन था प्लस 4 से प्लस 2 में, तो ये रिड्यूस हुआ, अदर को रिड्यूस करे और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो, तो यहाँ पे ये प्लस 4 में था और यहाँ पे ये प्लस 6 में सल्फर आ रहा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएंगे, H2SO3। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन लिया, ऐसा नहीं है बेटा कि बस इतने क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज़ हैं वो आपको दे दिया, अब आप सारे PYQ को कर सकते हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स के बारे में। तो इसके 2 मेजर एप्लीकेशन है, एक मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, तो उसको हम कैसे करेंगे विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। ध्यान देना, विदाउट रिएक्शन को बैलेंस किए हुए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। दूसरा, अगर रिएक्शन को हमें बैलेंस ही करना हो और क्विकली बैलेंस करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। तो ध्यान से समझना, वेरी सिंपल है ये। तो ट्रिक्स का जो पहला पॉइंट है कि वैसे क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं तो उसको कैसे आप करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपको क्या निकालना है पहले इक्विवेलेंट, और ये कैसे निकालना, वेरी सिंपल, मोल सभी को निकालना आता है, राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल को मल्टीप्लाई करना है एन फैक्टर से, किससे, एन फैक्टर से, तो यही आपके लिए नया है। एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फॉर 1 मोल, ध्यान दें 1 मोल के लिए, या 1 मॉलिक्यूल यू कैन से ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्यों लिखा, क्योंकि ये कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, बट ध्यान रहे 1 मोल लेना उसका, राइट। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक ट्रिक है आपके लिए, एन फैक्टर आपको किसी का भी निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कैसे निकालेंगे, एरो के दोनों साइड में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये बता रखा हूँ, और उसको चेंज देख लो कितने का चेंज हुआ, तो डेल्टा OS मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल, और ये समेशन का साइन है, मतलब हर एक आपको, जैसे यहाँ पे मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, तो मैंगनीज का भी चेंज देखना है, ऑक्सीजन का भी चेंज देखना है, और सबको ऐड कर देना है उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम से, तो एन फैक्टर आ जाएगा, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे मोल से तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में चाहे वो बैलेंस हो या ना हो, इक्विवेलेंट सेम होते हैं, हर रिएक्टेंट का जो इक्विवेलेंट होगा वही प्रोडक्ट का भी इक्विवेलेंट होगा। इन एनी रिएक्शन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट मीन्स जितना रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट फॉर्म्ड होगा, जबकि मोल में ऐसा नहीं होता है, मोल में स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अब आपको रफ़ी सर अपने ट्रिक को अप्लाई करके बताते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका 2 रिएक्टेंट दे दिया आपको और ये प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ये H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में बातें हो रही है, राइट। अगर इसके 2 मोल्स लिए तो इसका कितना मोल्स, इसका कितना, इसका कितना, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, हमने क्या बोला, आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ले। तो यहाँ पे क्रोमियम का यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, यहाँ ऑलरेडी दिख गया जो चार्ज होगा आयन पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन का इधर भी आपका माइनस 2 है, सारे ऑक्सीजन का 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन का माइनस 2 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम जनरली ऑक्सीजन को चेक नहीं करते हैं।
कार्बन का यहाँ पे आप निकालोगे तो प्लस थ्री है, राइट। ऑक्सीजन का अगेन माइनस टू है, यहाँ पे कार्बन का आपका प्लस फोर है। सारे एक एक एलिमेंट का आप एरो के इस साइड वाले और एरो के उस साइड वाले का आप क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब हमें मालूम है कि इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे, उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा और उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मैं निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मोल्स गिवन है। क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, पार्टिकल दे दे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मास दे देता तो एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते, वॉल्यूम दे देता है एसटीपी पे तो 22.4 से, तो एनी हाउ किसी तरह मोल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि मोल निकालने आपको आता है। तो देखो मोल है 2 इंटू एन फैक्टर, ध्यान से देखो कैसे निकाल रहा हूँ, चूंकि हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे क्रोम में कितना है प्लस 6 और एरो के उस साइड जाना है, सेम एलिमेंट क्रोमियम क्रोमियम 3 है तो चेंज कितने का हुआ, 6 और 3 का चेंज 3 का हुआ, राइट। इंटू ध्यान से देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन इंटू नंबर ऑफ एटम, आप इसका ले रहे हो तो इसमें क्रोम के कितने आइटम है, ध्यान से देखो 2 आइटम है तो इंटू 2, राइट। और होता प्लस ऑक्सीजन का भी लेना पड़ता, बट ध्यान दो ऑक्सीजन का चेंज ही जीरो, इधर भी माइनस 2 है इधर भी माइनस 2 है, तो चेंज ही अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, इसलिए उसका नहीं लेंगे। तो ये आपका आ गया मोल इंटू एन फैक्टर से इसका क्या आ गया इक्विवेलेंट, कितना हो गया ये 12, तो इसका मतलब इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा 12, इसका भी 12, इसका भी 12, ये फ़ायदा होता है। अब अगर इसका इक्विवेलेंट हमें मालूम है 12 तो वो क्या होगा मोल, जो नहीं मालूम है इंटू एन फैक्टर, अब ध्यान दे एन फैक्टर अब इसका लेना, राइट, क्योंकि जिसका निकाल रहा हो उसका एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कैसे लेंगे, चेंज 3 से कार्बन 4 में जा रहा है, चेंज हुआ 1 का इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है 2, तो यहाँ से x कितना जाएगा 6, डैट मीन्स इसके कितने मोल रिक्वायर्ड थे 6 मोल, तो ये निकल गया। वैसे सपोज करो मुझे इसका निकालना है तो ये क्या रहेगा 12 इज इक्वल टू मोल नहीं मालूम है y इंटू एन फैक्टर, देखो चेंज तो सेम ही रहेगा चाहे इधर से या इधर से निकालो, चेंज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो 3 से 6 का चेंज 3 का हुआ इंटू नंबर ऑफ एटम, इसके एटम कितने एक ही दिखाएं तो एक, बस ये ध्यान रखना जिसका निकाल रहा उसी का लेना है, राइट। तो यहाँ से आपका वाई कितना आ जाएगा 4 मोल, तो इसके कितने हो जाते हैं 4 मोल। अगर मान लो मुझे CO2 का निकालना है तो कैसे निकालते हैं 12 इज इक्वल टू उसके मोल नहीं मालूम है जेड इंटू एन फैक्टर, ध्यान से देखो अगेन कैसे चेंज 4 से 3 का कार्बन से कार्बन का तो 1 हो गया चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे एटम कार्बन के एक ही हैं तो एक होंगे, और प्लस ऑक्सीजन का भी होता बट यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर भी माइनस 2, राइट, तो चेंज ही जीरो इसलिए वो जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया समेसन, राइट। तो आप कैसे निकालते, अगर एक से ज़्यादा एटम का चेंज होता तो चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम प्लस चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपका यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो 12, तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे 6 मोल, इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 4 और इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 12। तो देखो विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन हम ऐसे करते हैं, तो ये एक एग्जांपल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अब इस पर बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप ईजिली कर लोगे। नाउ कुछ नॉन इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी डी ब्लॉक में बता भी रखा हूँ मैं कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा और ये तीनों मीडियम में वर्क करता है। एसिडिक मीडियम कहीं पे भी मेंशन कर दिया तो मैंगनीज प्लस 7 से प्लस 2 में आ जाता है, ये ध्यान रखना आपको, राइट, ये क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा। अगर न्यूट्रल या फेंटली एल्काइन मीडियम है तो प्लस 7 से प्लस 4 में आ जाता है, या MnO2 लिख सकते हो, और अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो प्लस 7 से प्लस 6 में आता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एसिडिक मीडियम में ये 2 में आ गया तो चेंज कितना गया, 7 से 2 गया तो 5, तो ये इलेक्ट्रॉन जो n फैक्टर यू कैन से वो कितना हो जाएगा आपका 5 एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में 3 और बेसिक मीडियम में 1, तो ये ध्यान रखना है इसके लिए। और जो Cr2O7-2 है डाइक्रोमेट वाले, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में वर्क करते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये खुद किस में आ जाएंगे प्लस 3 में, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। बाकी का क्या होगा सर, तो बाकी का वेरी सिंपल है, जनरली ध्यान दो 99% क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो 1 का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखो कार्बन प्लस 3 है तो इसका प्लस 4 में ले आना है, तो चेंज तो 1 इलेक्ट्रॉन का लेकिन एटम 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, राइट। यहाँ पे जहाँ पे भी आयरन प्लस 2 में है तो अस लग जाएगा फेरस, तो फेरिक में ले जाना, चूंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है।
सल्फर माइनस टू से जीरो में दो इलेक्ट्रॉन का हो गया। SO3 2- माइनस में सल्फर प्लस फोर में तो प्लस सिक्स में सल्फेट में लिया है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ध्यान से देखो, जहाँ पे हेलोजन माइनस वन में है तो जीरो में, तो चेंज तो एक का हो, लेकिन अगेन एटम देखो दो हो गए, क्योंकि कभी भी X हेलोजन X फॉर्म में नहीं रहेगा, X2 में, लाइक Cl2 Br2 राइट। तो इस तरीके से तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। NO2- माइनस नाइट्रोजन प्लस थ्री में तो प्लस फाइव आ जाएगा, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जनरली दो इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रहे, कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अदर को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उससे लो से कम होना चाहिए। जैसे कहीं पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर KMnO4 की रिएक्शन SO4 माइनस टू से कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीज भी हाईएस्ट में है राइट, और सल्फर भी यहाँ पे हाईएस्ट में, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा ये, तो ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होगी। नाउ एक और एग्जांपल हमने लिया है, KMnO4 की रिएक्शन और ये Fe2C2O4 से एसिडिक मीडियम में, इसके दो मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट भी नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, KMnO4 एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या करना है, मैग्नीज को कहाँ ले जाना है, प्लस टू में, बस ऐसे कर देना। उसके साथ क्या लगा होगा उसका टेंशन नहीं लेना आपको राइट, ऑलरेडी दुनिया में बहुत टेंशन है राइट। तो ये मैग्नीज के बारे में हो गया, ऑक्सीजन का कभी भी कुछ नहीं होता राइट, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान दो, आयरन प्लस टू में, और आयरन प्लस टू में होगा तो कहाँ ले जाना है, प्लस थ्री में, तो आयरन प्लस थ्री में चला जाएगा। बस आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन भी आपका प्लस थ्री में है तो वो कहाँ चला जाएगा, प्लस फोर, मतलब CO2 राइट। ये आपको कर लेना है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, मोल इंटू एन फैक्टर, ये सेवन से टू में गया, चेंज हो गया फाइव का, और एटम इसका एक ही है। पोटेशियम का कुछ नहीं होगा, दोनों साइड सेम रहेंगे, ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, इसलिए नहीं लिया राइट। तो कितने हो गए, टेन। तो इसका मतलब इसका भी कितना इक्विवेलेंट होगा, टेन। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल जो निकालना है इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एन फैक्टर में अगर आयरन की बात करूँ तो टू से ये थ्री में जा रहा है, तो राइट चेंज वन का, और एटम भी इसका एक ही है, तो एक किया प्लस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का भी चेंज हो रहा है, कार्बन का कितना है, थ्री से जा रहा है फोर में राइट, तो चेंज इसका भी वन इंटू नंबर ऑफ एटम, ध्यान दे टू, ऑक्सीजन का दोनों तरफ चेंज नहीं होता है इसलिए ऐसे ही रहने दिया, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू थ्री हो गया, तो एक्स कितना हो जाएगा, 10 बाई थ्री मोल्स। तो देखो इस टाइप से मोल आ गए, तो मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम राइट, जो पूछना हो, एटम कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो ये दो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि सफिशेंट है आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ किसी रिडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करेंगे, उसके लिए वेरी सिंपल ट्रिक है। तो ट्रिक का पॉइंट ध्यान से समझ लें, पहले आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। उसके बाद सेकेंड केस में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बैलेंस कर देना है सारे एटम को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरे केस में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर सकते हो। चौथे में बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एच प्लस। पांचवें में चार्ज को बैलेंस करना है वाया एडिंग इलेक्ट्रॉन। एंड छठे केस में आपको दोनों ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैग्नीज प्लस सेवन से इधर प्लस टू में, तो ये रिडक्शन हो रहा है। कार्बन प्लस थ्री से प्लस फोर में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या करें, दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर लें। पहला पॉइंट तो एक हो गया मेरा, ध्यान से देखो, MnO4- से Mn प्लस टू, ये सेपरेट करने का मतलब हुआ। दूसरा मेरा क्या हो गया, C2O4 माइनस टू से CO2, पहला केस हो गया, इजी है राइट, पहचान लोगे। बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं। मैग्नीज एक ऑलरेडी बैलेंस है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। इधर में कार्बन दो है, एक ही है, तो यहाँ पे दो कार्बन कर देना है, तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी नहीं करना है। तीसरे केस में ऑक्सीजन को करना है कैसे, वाटर ऐड करके। यहाँ पे कितना है, चार ऑक्सीजन, तो इधर कम है तो यहाँ पे चार वाटर ऐप ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, चार है, ऑलरेडी टू टू द फोर हो चुका है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो हो गया ख़त्म। उसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन बाई एच प्लस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इधर कितने हो गए, एट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एट एच प्लस करना पड़ेगा। इधर में ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये बैलेंस हो गया। उसके बाद बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो तो इधर कितना हो गया, आठ प्लस का हो गया राइट, और एक माइनस, प्लस सेवन है इधर टोटल, और इधर कितना है, प्लस टू है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, पांच इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कैसे, सात में से पांच जाएगा तो, चूंकि माइनस है तो दो दो बैलेंस हो जाएंगे।
इधर में ध्यान से देखो, माइनस टू है, इधर है ही नहीं, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो माइनस टू, वेरी सिंपल है, ये हो गया। उसके बाद छठा पॉइंट क्या कह रहा है, एड सजा इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, इधर दो हैं इधर पाँच हैं, तो इस पूरी रिएक्शन को आप क्या करेंगे, इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस रिएक्शन को किस से, पाँच से। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम होंगे तभी कैंसिल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 16H+, राइट, एरो के इस साइड वाले को इधर ही रह देना, प्लस 2MnO4- प्लस ये 10 इलेक्ट्रॉन, एरो के इस साइड में 2 से सम में मल्टीप्लाई होगा, 2Mn+2 और 8H2O, ये एक हो गया। इधर आप 5 से करोगे तो 5C2O4-2 गिव्स यू 5 to the 10 CO2+10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, क्योंकि ये एरो के इस साइड में और ये एरो के इस साइड में, तो बस एक साइड वाले को एक साइड में लिख दो, एरो के उस साइड वाले को उस साइड में। तो कितना हो गया, ध्यान से देखो, 16H+2MnO4-, एरो के इस साइड वाले, इधर 5C2O4-2 गिव्स यू, इधर वाले में 2Mn+2, ये 10 CO2+, इधर बच गया 8H2O। तो आप क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता बेटा, समझना, ये तो आपने बैलेंस कर लिया। आप क्या कर सकता है कि अननोन कर सकता है कि H प्लस कितना चाहिए, एक्स वाई जेड करके सम बताओ, राइट, इस टाइप से कुछ ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो ट्रिक का एक और पॉइंट है वो ध्यान देना है कि आपको ये सब कोफिशियंट पहले से भी पता लग सकता है, इतना करने की जरूरत नहीं। कैसे, ध्यान से देखो, मैंगनीज +7 से +2 में आया, डैट मीन्स 5 का चेंज है, तो इसका जो भी चेंजेज होगा, यहाँ 7 था यहाँ 2, 5 का चेंजेज है, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से देखो, क्रॉस में करना था इसलिए इधर 5 करना पड़ा मेरे को, राइट। और ध्यान से देखो, कार्बन का क्या हो गया, कितना से कितना है, +3 से +4 में, तो चेंज कितने का होगा, 1 का, राइट। तो हमें, और चूंकि यहाँ पे ध्यान देना तो 1 का तो हुआ, लेकिन एटम कितने कार्बन के, 2, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो इसलिए मुझे इधर कितना करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका जो चेंज होगा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका चेंज इसमें, तो इससे भी हम क्विकली ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड, आप बिना ये सब किए हुए कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो रफी सर कैसे थिंक कर रहे हैं। ऐसे आपको दे दिया, ये है, ये x है अननोन, ये 6 दे दिया ऑलरेडी, ये y अननोन, ये 6 दे दिया, ये z अननोन, तो एक्स वाई जेड का सम बताओ। क्विकली कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, विदाउट डूइंग दिस, कैसे, ध्यान से देखो, क्रोमियम यहाँ पे कितना में है, +6 में, यहाँ पे कितना गया, 3 में, राइट, तो चेंज कितने का हो गया, 3 का, लेकिन एक क्रोमियम का चेंज 3 का हो, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो चेंज कितना हो गया, 6 का, राइट। तो ध्यान रहे, 6 इलेक्ट्रॉन हमारा चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 6 आया, राइट, तो इसका हो गया। आयरन का ध्यान से देखो तो क्या हो गया, +2 से +3 में, राइट, तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2, तो यहाँ पे y की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2, तभी क्रोमियम बैलेंस होंगे, और इसका 2 से 3 में चेंज 1 का हुआ, इसलिए इधर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ H प्लस की बारी है, तो ध्यान से देखो, इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 7, राइट, और इधर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब Z को कितना होना पड़ेगा, 7, तभी ऑक्सीजन बैलेंस होंगे, राइट, तो 7 हो गया H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर ध्यान से देखो, 14, और इधर था ही नहीं, तो X कितना हो जाएगा हमारा, 14, तो समझते हुए चलो, तो तुम्हारा X आ चुका कि नहीं, X कितना था, 14, Y आ गया कि नहीं, कितना, 2, और Z आ गया कि नहीं, कितना, 7, तो कितना हो गया आंसर, 23, विदाउट बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में 2IO3-XI-12H+ गिव यू 6I2+6H2X बताना है, तो ध्यान से देखो, विदाउट सेपरेट आप कैसे कर सकते हो, एक तो सेपरेट करके कर ही सकते हो, उसमें टाइम जाएगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे आयोडीन का देखो ध्यान से, +5 में, और इस साइड ये किस में, 0 में, तो चेंज कितने का हो गया, 5 का, बट ध्यान रहे, आयोडीन का एटम कितना, इधर देखो तो 2 या इधर भी 2, तो एक एटम का चेंज 5 है, 2 एटम का कितना होगा, 10, तो इधर 10 का जो चेंज हुआ वो हमने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना इधर, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगी आपको, 10। अगर मान लो इधर का चेक करना, तो आई -1 से 0 में गया, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का, बट एटम कितना है, 2, इसलिए ध्यान से देखो ये 2 आया, राइट, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये -1 से 0 एक एटम का, 2 एटम बना है, तो राइट, तो 2 का, तो इसलिए ये 2 करना है। वैसे भी आप देख सकते हो, 2 ये हो गया और 10 ये हो गए, तो 12 हो गया आयोडीन, तो इसलिए 6 to the 12, तो ये बैलेंस है, राइट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, 6 ऑक्सीजन, तो 2 3 10 6 ऑक्सीजन, वो भी हो गया, 6 to the 12 हाइड्रोजन, ये भी 12H+ हो गए, तो राइट, तो देखो डायरेक्ट हमने X को कर दिया।
तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको क्लियर होगा। मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लिया बेटा, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आप कर सकते हो, ये एक ऐसी ट्रिक है बेटा जिससे आप इजीली इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो अब आप सारे PYQ को कर लेना, आई होप आपसे सब हो जाएंगे। थैंक यू।